is electrocardiography, which are properties which the cardiac muscles possess. And these properties you can remember by the mnemonic A, E and C. A, E and C is the mnemonic, and here A stands for automaticity, E stands for excitability, and C stands for conductivity. So, and AV node, atrioventricular node है, जो atria और ventricle, जो right atrium, right ventricle के junction के पास ही located है, and यहाँ ये stimulate हो जाएगा, and इसके बाद septum में आ जाता है bundle of His. rhythm हमारे पास, rhythm दो एक तो हमारे पास है sinus rhythm, एक हमारे पास है atrial rhythm, एक हमारे पास है ventricular rhythm. अब जो साइनस रिदम है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल साइनस रिदम, साइनस रिदम तब हम बोलेंगे जब एवरी पी हैज प्रीसीडेड द क्यूआरएस, हर क्यूआरएस से, मतलब पी और क्यूआरएस की रेशियो 1:1 है, तो पी से पी का डिस्टेंस और आर से आर का डिस्टेंस सारी ईसीजी स्ट्रिप में कांस्टेंट रहना चाहिए. तो पहले हमने V1 लगाया फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, इसके पैरेलल हमने लगा दिया V2 सेम लेवल पे बट लेफ्ट साइड पे. फिर हमने V3 पहले नहीं लगाना, हमने लगाना है V4. V4 हम लगाते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन की, क्लेविकल से मिड पॉइंट लेके जस्ट बिलो द निप्पल रीजन हम लोग क्या लगा देते हैं, V4 लगा देते हैं. एंड V4 और V2 अब दो लग गए हमारे इलेक्ट्रोड, सो उसके सेंटर में लगा देते हैं V3. उसके बाद एक्सिला की दो लाइंस ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी, एक एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और एक हम ड्रॉ करते हैं मिड एक्सिलरी लाइन. एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में हम लोग लगा देते हैं V5 एंड मिड एक्सिलरी लाइन में हम लोग लगा देते हैं V6. तो ये ऑलमोस्ट ये सारे सेम लेवल पे लगेंगे एंड जस्ट बिलो द निप्पल रीजन विल बी द V4 जो हमने लगाया है, और V2 और V4 के बीच में हमने V3 लगाया. कमिंग बैक टू दिस आइंथोवन ट्रायंगल, तो अब यहाँ पे आपने ये बोल्ड लाइन दिख रही है आपको, lead 1, lead 2 and lead 3. आपको क्वेश्चन आता है बहुत बार, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट टू डिटर्मिन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डैमेज टू द हार्ट, और उसका आंसर होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. तो इंफीरियर, इंफीरियर, लेटरल, एंटीरियर, सेप्टल, आप इस निमोनिक को याद रख सकते हैं ILAS, ILAS, इंफीरियर, लेटरल, एंटीरियर एंड सेप्टल. और अगर हम यहाँ पे देखें कौन सी लीड्स इंफीरियर है हमारे पास, lead 2, lead 3 and AVF, then we have lateral leads as the 1, AVL, AV5 and V6, उसके बाद anterior है V3 और V4 and septal leads है V1 and V2. So by this mnemonic ILAS you can remember the various views of the heart which is given by the different electrodes that are placed on the patient's body. That this was the basic of ECG. There are so many things which we have to do in ECG, like the questions which we have to answer. अगर आप ECG strip देखते हो कि उसमें heart rate कैसे calculate करनी है, rhythm कैसे check करनी है, and PR interval normal कितना है, abnormal कितना, तो there are so many things जो कि हम ECG की strip को देख के पता लगा सकते हैं by the calculation of boxes. ठीक है, वो अलग से एक टॉपिक होता है, बट फॉर टुडेज क्लास आई हैव डेलिबरेटली चोजन दिस टॉपिक सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाउ एट कनिकास नर्सिंग एकेडमी वी आर टेकिंग द क्लासेस सारी. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.